अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। हमारा दिमाग हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कि पूरे जिस्म को चलाता है। दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है, इनको बढ़ाने और इनको कारामद बनाने के लिए इसकी कुछ वर्जिशें भी होती हैं जिनको करके आप अपने दिमागी सलाहियतों को तेज़ तर करते हैं। इस तरह कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि इनका दिमाग कमज़ोर है, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं या कोई काम कहो तो वो भी याद नहीं रहता, नंबर अच्छे नहीं आते वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ आपका ये मसला हल करते हुए कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ आपको बता रहे हैं जो ख़ास तौर पर दिमाग को तेज़ करती हैं, याददाश्त को बेहतर बनाती हैं और दिमागी सलाहियतों में इजाफा करती हैं। इनमें से बेशतर आप जानते ही होंगे, लेकिन इसको इस मकसद के तहत अगर इसी तरह खाया जाए जैसा कि इसका वक्त है तो ये अपना काम दिखाती है, वरना सारा खाया पिया आप बेकार कर देते हैं। तो वो कौन सी खुराक हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट में अल्फ़ा लियोनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से ये इस प्रोटीन को दिमाग में बनने से रोकता है जो दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। अखरोट हमारे खून की शरियानों को खोल देता है और दिमाग को खून की रवानी भी बेहतर बनाता है। ये दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। अखरोट के बारे में कहते हैं कि ये दिमाग की शक्ल का होता है, इसलिए ये दिमाग की कारकर्दगी को बूस्ट कर देता है। हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हर घर में इस्तेमाल होती हैं। इस पत्तों वाली सब्ज़ियों में शलजम, पालक, पत्तों वाले चुकंदर वगैरह पाए जाते हैं। ये सब्ज़ियाँ बहुत महंगी भी नहीं होती और हर एक की पहुँच में है। इसमें बेटा कैरोटीन, विटामिन के, ल्यूटन, ये हमारी दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बेहद कारामद हैं। मछली। मछली में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा मछली ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसी मछलियां इस्तेमाल करें जिसमें मरकरी की मकदार कम हो। जिन लोगों को मछली से एलर्जी हो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें या मछली के मुतबादल वो ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें ओमेगा 3 मौजूद हो, जैसा कि अलसी के बीज, एवोकाडो या अखरोट या दूसरे नट्स वगैरह। बेरीज़ में फ्लेवोनॉइड्स वगैरह होते हैं जो दिमागी सलाहियत को बढ़ाती हैं। इसमें ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक बेरीज़ वगैरह पाए जाते हैं, अज्जा दिमागी कारगर्दगी को बूस्ट कर देते हैं। चाय या कॉफ़ी। इनमें मौजूद कैफीन दिमाग को अलर्ट रखती है और तहकीक से पता चला है कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अलर्ट, तेज़ और हाजिर दिमाग होते हैं। ये ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने दिमागी सलाहियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेमेडी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें।